हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रानी शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल बी अ टीचर। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि जितना हो सके एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आजकल इस कोविड पेंडेमिक के समय यही आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप यदि परेशान हैं, फीवर वगैरह है, कुछ है, तो अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए और किसी भी तरह से जैसे भी हो सके आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मन लगाइए कहीं कुछ नया सीखिए, ताकि क्योंकि ज़्यादातर आप न्यूज़ ज़्यादा सुनते रहेंगे तो टेंशन में ज़्यादा रहेंगे। अपने दिमाग को कहीं ऐसी जगह डाइवर्ट कीजिए जिसका यूज़ आपको, यदि आपने अभी इस पेंडेमिक के समय कुछ नया सीख लिया ना, तो इसके जाने के बाद उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपको दिखाई देगा। और यदि इस समय को आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया तो वो भी आप देख पाएंगे कि मतलब मुझे लगता है बाद में पछताने की बजाय यदि हम आज कुछ नया सीख लें, कुछ ऐसा सीख लें कि हमें ऐसा फील ना हो कि ये कोरोना मेरे लिए बहुत दुखदाई था, मुझे बहुत टेंशन दे के गया पूरे उसमें रहे, मतलब किसी और को ब्लेम करने की बजाय मुझे लगता है हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए कुछ नया सीखने में, ताकि बाद में हमें किसी भी तरह का कोई पछतावा ना हो। ठीक है, आप कुछ भी सीख सकते हैं, जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हो। घर में रहकर फिजिकल एक्टिविटी सीख सकते हैं कुछ सीखना चाहें तो, या फिर यूट्यूब के थ्रू आजकल इंटरनेट है, जो भी आप सीखना चाहें वो सीख सकते। मुझे लगता है सीखना चाहिए, आपको करना चाहिए। और यहाँ मेरा इससे पहले मैंने टॉपिक लिया था वो था क्या था, लर्निंग और लर्निंग कर्व। अभी आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्या है ये सीटेट में ही ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी अदर टाइट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता है समझ आ जाएगा। काफ़ी ईजी मेथड ये तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब चीज साइकोलॉजी क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है यदि हम उसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें चीज़ें याद रह जाती हैं, फिर इतना ज़्यादा हमें उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे से कहा जाए तो। तो आज का जो टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसमें क्या है अधिगम का स्थानांतरण, इसकी डेफिनेशन ये है कि जब व्यक्ति किसी कौशल तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम का स्थानांतरण कहलाती है। समझने की कोशिश कीजिए कि द कैपेसिटी टू यूज़ अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल टू न्यू सिचुएशन इज नॉन एज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मान लीजिए बचपन में आपने प्लस माइनस सीखा और फिर आप मार्केट जाते हो, तो वहाँ क्या करते हो, आप अपने प्लस माइनस जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करते हो। ठीक है, अपने नॉलेज को, जो नॉलेज आपने स्कूल में एक्वायर किया है, सीखा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी सीखा है उसको आपने मार्केट में जाके अप्लाई किया। ठीक है, कि मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ तो कितने का होगा, कैसा होगा, उसका हिसाब किताब लगाया, मतलब आपने अप्लाई किया। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब क्या है, क्या होता है इससे, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से क्या होता है, इट मेक्स लर्निंग प्रोसेस ईजी, यानी कि यह जो है अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है। मान लीजिए कोई चीज़ आपने सीख ली, यदि उसको किसी दूसरी चीज़ को सीखना है तो उसमें हेल्प करेगा ना। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग मेंटल एबिलिटी ऑफ अ लर्नर विच कैन यूज़ इन अदर टास्क ऑल्सो। इस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है जिसे हम अन्य कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई गेम, जैसे आपको फुटबॉल आता है तो आप कोई दूसरा गेम भी खेलेंगे तो आप अच्छे से खेल ही पाओगे, क्योंकि आपको कोई गेम आता है तो आप खेल पाओगे दूसरा गेम भी। आपको पढ़ना आता है, आपको हिंदी पढ़नी आती है, तो आप संस्कृत भी थोड़ा बहुत पढ़ पाओगे और कुछ चीज़ें भी पढ़ पाओगे, आपने पढ़ना सीख लिया या पढ़ाना सीख लिया। आप टीचर हो, मान लीजिए आप प्राइमरी के टीचर हो, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाओगे, बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ा सकते हो। मतलब क्या है ये, यहाँ क्या है ये, एक तरह से देखा जाए तो मानसिक शक्तियों का विकास है, शक्तियों का। ओके, और जो कि हम दूसरे कार्यों में प्रयोग करते हैं।
यदि हम यहाँ एग्जाम्पल लेना चाहें कि एक विषय का सीखना किसी दूसरे विषय के सीखने में सहायक या बाधक हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि जो लर्निंग का ट्रांसफ़र है वो सिर्फ आपको सहायक ही, कभी कभी क्या है, बाधक भी हो सकता है। लर्निंग ऑफ वन सब्जेक्ट कैन बी हेल्पफुल और हिंडरिंग द लर्निंग ऑफ अनदर सब्जेक्ट, तो क्या है, कभी कभी ये बाधक भी हो सकता है। और कुछ लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी है, जैसे अर्नेस्ट हिलगार्ड का नाम सुना होगा आपने, उनके अनुसार क्या है, अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर, ठीक है, पड़ता है। मान लीजिए कोई अधिगम स्थानांतरण में क्या होता है, आपने कोई एक चीज़ सीखी तो उसका प्रभाव दूसरी चीज़ पे पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। इन लर्निंग ट्रांसफ़र वन एक्शन हैज़ एन अफेक्ट ऑन अनदर, अब किस तरह से पड़ता है उसको हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो लोगों की और भी डेफिनेशन है उनको भी देख लेते हैं। जैसे गुथरी हैं, इनका कहना है कि अधिगम स्थानांतरण के व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि लर्निंग ट्रांसफ़र कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बिहेवियर। तो अधिगम स्थानांतरण क्या है, व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने, ठीक है, यानी कोई चीज़ आपने सीखी और उसको उस और आगे आप सीखते ही जा रहे हो, इस चीज़ में आपकी हेल्प हो रही है। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र इन लर्निंग ये तीन तरह की होती है। फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, और दूसरा है निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, और थर्ड है न्यूट्रल और जीरो, यानी कि शून्य कह सकते हैं, कोई भी प्रभाव ना पड़े। और ये सब किसके अकॉर्डिंग है, ये है, ये थॉर्नडाइक ने बताए हैं, ये नियम थॉर्नडाइक ने बताया है कि किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, कितने टाइप का ट्रांसफ़र होता है लर्निंग में। ओके, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ये ईएल थॉर्नडाइक की एक थ्योरी है आइडेंटिकल एलिमेंट्स की। आइडेंटिकल का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विन्स, आपने सुना होगा कि जो एक ही जैसे दिखते हैं वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, और आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल समान रूप से दिखने वाली चीज़ें। जैसे आपके कोई चीज़ है, दो पेन मान लीजिए, दो बॉक्स हैं, या दो मोबाइल हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकती है जो बिल्कुल सेम, एक ही कंपनी के होंगे तो एक जैसे दिखेंगे ना, तो इन्हें कहते हैं आइडेंटिकल एलिमेंट्स। तो ईएल थॉर्नडाइक के अनुसार उनका कहना था कि एक कार्य का दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतरण होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों कार्यों में सहचार्यात्मक यानी कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स, सहचार्यात्मक तत्वों की कितनी समानता है। अब यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप साइकिल आपको चलानी आती है, साइकिल में और स्कूटी में क्या एलिमेंट समान है। जैसे पहली बात तो दोनों टू व्हीलर हैं, तो बैलेंस करने वाली चीज़, ठीक है, हैंडल दोनों को पकड़ के चलाना होता है, दूसरा एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से, और दो बाइक हैं तो बाइक में और भी ज़्यादा एलिमेंट समान होंगे, क्योंकि उनमें तो साइकिल आपको पैडल देना होता है, लेकिन बाइक में ऐसा नहीं होता है, तो एक एलिमेंट्स ये एक्स्ट्रा हो गया दोनों बाइक को देखा जाए तो, ठीक है। तो अब यदि हम यहाँ देखना चाहें स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के अंतरण के जो विशिष्ट प्रकार हैं, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ही नहीं बल्कि कुछ और भी विशिष्ट प्रकार होते हैं। जैसे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, इसको हम एक पक्षीय अंतरण कहते हैं, और बायलेटरल ट्रांसफ़र, इसको हम द्विपक्षीय अंतरण कहते हैं, और वर्टिकल ट्रांसफ़र, इसको हम लंबात्मक अंतरण कहते हैं, और फोर्थ है हॉरिजॉन्टल। अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे कि ये किस तरह से होते हैं। यूनिलेटरल क्या होता है, यूनिलेटरल होता है जब हम अधिगम के लिए शरीर के एक ही अंग का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ एक पक्षी स्थानांतरण होता है, यानी कि आप खाना खा रहे हो तो आप एक हाथ का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपको राइट हैंड में कहीं चोट लग गई तो आप लेफ्ट हैंड से भी खा सकते हो, लेकिन खाओगे तो एक ही हाथ से ना, खाना दोनों हाथों से नहीं खाओगे, तो
तो एक समय में जब आप एक ही अंग का, शरीर के किसी एक ही पार्ट का यूज कर रहे होते हो, तो वहाँ आपका एक पक्षी अंतरण होता है, ठीक है। दूसरा है बायलिटरल ट्रांसफर, यानी कि द्विपक्षीय अंतरण। तो जब हम किसी एक भाग से कुछ सीखते हैं तो दूसरे भाग पर भी असर होता है। मान लीजिए आपने कभी हाथ से कुछ ऐसा करने की कोशिश की है कि यदि हम कोई एक हाथ से ऐसा कोई काम करते हैं तो दूसरा हाथ अपने आप ही उसके साथ उठता है, उसी तरह से क्रिया करता है। तो उस तरह का जो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसको द्विपक्षीय ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। आप आई होप यू अंडरस्टैंड। अब थर्ड है आपका वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल यानी कि लंबात्मक। जैसे आपने पहले कुछ सीखा वो इजी था, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे थोड़ा हार्ड, ऐसे आपका हार्ड का लेवल बढ़ता जाता है, तो वहाँ होता है आपका वर्टिकल ट्रांसफर। जैसे आप बचपन में सबसे पहले क्या है, प्लस सीखते हो, ठीक है, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, इसी तरह से सीखते हैं ना। और फिर उसके बाद वर्ड मास का नियम आप देखते हैं तो उसमें भी इसी तरह से, जहाँ पर भी क्या होता है, सरल से कठिन की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे आपका वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। अब यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है श्रेणीबद्ध तरीके से सीखना। फोर्थ है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, यानी कि क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज का मतलब होता है इस तरह से, आपने कोई एक चीज़ सीखी तो उसी चीज़ को एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग उसी तरह की परिस्थितियों में किया जाए तो क्षैतिज अंतरण कहलाता है। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करता है। जैसे आपको हिंदी पहले से आती थी तो आपको संस्कृत पढ़ने में आसानी हुई, ठीक है। आपने ज्योग्राफी पढ़ी तो सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने में आपको ज्योग्राफी से मदद मिली, यानी कि आपको टाइपिंग आती थी कंप्यूटर पे, टाइपराइटर पे आपने टाइपिंग सीख ली तो आपको कंप्यूटर चलाने में आसानी हुई, उसमें टाइपिंग करने में, या जो पहले क्वालिटी कीपैड वाले मोबाइल आते थे उनको चलाने में आपको आसानी होगी। मतलब क्या है कि आप एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान में जब आपकी मदद करता है तो वहाँ पर आपका होता है क्षैतिज अंतरण। तो आज इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो वहाँ शेयर कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।